आज दिल्ली के प्रेस क्लब में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन और द न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने मिलकर इंस्पायरिंग यूथ कॉन्क्लेव व अवार्ड प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों से नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया, जिनमें मुख्य तौर पर सौरभ मौर्या, मनोज रेड्डी, उदय रेड्डी, निधि गुंडा, नरेश कुमार, हिमाचल की रहने वाली मॉडल मालती राणा, भृगु सदन के अध्यक्ष पंडित निखिल शर्मा, बलराम सहजावास, रुबानी चोली, डॉक्टर संदीप राय, अरविंद पांडे, मेघ सिंह, सुधांशु सिंह, दिल्ली से भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस बाली आदि काफी संख्या में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली से युवा एकत्रित हुए। संस्था के संयोजक गुंजन मेहता व सह संयोजक परवीन मेहता ने आयोजन में आए सभी युवाओं को राष्ट्र सेवा में योगदान देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी व सभी ने अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे जनहित कार्यों का परिचय करवाया। आयोजन में प्रखर प्रशांत अवस्थी प्रसिद्ध कवि ने सफल मंच संचालन किया व सभी को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। आयोजन में गुंजन मेहता ने अपने संबोधन में सभी को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का संकल्प दिलाया व सभी को रक्तदान, अंगदान व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के सह संयोजक परवीन मेहता ने सभी को इस आयोजन को सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया व जय हिंद का जय घोष किया। मैं मालती है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। आज अवार्ड आपको मिला है, हाँ जी सर। क्या कुछ आप काम करती हैं, मॉडलिंग में कौन कौन से टाइटल आपके हैं? मॉडलिंग में मुझे तो पहले सानी हिमाचल का इंटेलिजेंट का टाइटल मिला था, उसके बाद सानी शिमला में विनर का टाइटल मिला, उसके बाद फिर मिसेस भारत में भी विन कर। मॉडलिंग को लेकर और आपके जो ग्राउंड पर काम करने वाले हैं उसको लेकर आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा आपको लग रहा है ह्यूमन वेलफेयर में सम्मानित? मैं गुंजन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे इस लाइक समझा। ठीक, थैंक यू। आज NHWC ने तमाम लोगों को सम्मानित किया है, आप उसमें उपस्थित हुए हैं, आपने भी कई लोगों को सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे? NHWC का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है जो देश के विभिन्न NGO को एक मंच मिला करके और एक दूसरे से सहयोग बना के कार्य करने का जो सोच है ये बहुत अद्भुत है और निकट भविष्य में इससे सारे NGO एक साथ मिलकर समाज सेवा क्षेत्र में अच्छा कार्य करें। ठीक, ठीक। जी ने आज आपको सम्मानित किया है, इतना अच्छा काम आपने समाज में किया है, क्या कुछ कहेंगे गुंजन जी को लेकर? देखिए, ऐसे मुझे किसी के सम्मानित की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने हिंदू समाज के लिए जो काम कर रहा हूँ मेरी एक ही वार्निंग है, हिंदुओं को एक हो जाओ, कोई जाति पाति नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो चल रही है कुर्सियों के लिए, पैसे के लिए, अपने अपने बड़ा बनने के लिए, आज इस संगठन ने आपको सम्मान किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा। ठीक, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। ठीक, माता जी, आज का जो ये अवार्ड फंक्शन था, काफ़ी युवाओं को, काफ़ी उन लोगों को आपने अवार्ड दिया है जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग उपस्थित हुए थे आज? देखिए, आज ये सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन ही नहीं था, आज हमने प्रयास किया था कि देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग काम कर रहे हैं समाज के क्षेत्र में, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदान का क्षेत्र हो, अंगदान का क्षेत्र हो या और भी इस तरह के जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एकत्रित करें और उनके विचार सुनें, उनका मार्गदर्शन लें ताकि ये परिवार और बड़ा होता चला जाए। राष्ट्रीय मानव कल्याण परिषद एक सामाजिक संस्था है और आज हमने इसी संस्था के माध्यम से ये आयोजन किया था। NHWC का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का उद्देश्य है वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, बस यही हमारा उद्देश्य है कि हमने मानवता के लिए काम करना है, बिना किसी जाति के भेदभाव के सभी के साथ प्यार मोहब्बत से मिलके समाज को आगे निरंतर बढ़ाते हुए। कई राज्यों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अगर कहा जाए तो किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा ये जो आपका संगठन है फल फूल रहा है, काम कर रहा है? सर, हम लोग हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पर काम कर रहे हैं और हर जगह से टीम के सदस्य आज आए हुए थे। समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ साथ आपने मॉडलिंग के, जो मॉडलिंग में काम करने वाले लोग उनको भी आज अवार्ड दिया है, मतलब क्या कुछ संदेश रहेगा आज के इस कार्यक्रम? देखिए, मैं खाली मॉडलिंग नहीं कहना चाहूँगा, हमारे बीच आज हिमाचल से हिमा जी जुड़ी हैं, मालती जी सॉरी, तो वो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन के माध्यम से किसी न किसी रूप से समाज को आईना दिखाता है, तो हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक, ठीक। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।